वेल सो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे दोस्तों आप सभी लोग आई होप आप बहुत अच्छे होगी और मैं भी बहुत अच्छा तो चलिए एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं एक लंबी सांस लो और कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा आए हम कुछ अच्छा है तो फॉर सी में फ़ाइनल हमारा मिशन संभव स्टार्ट हो चुका है जिसका लेक्चर जीरो वन ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे थिंक जे एस टी थिंक विश्वा स्तर पर आपका अवेलेबल है और ये लेक्चर जीरो टू है अब ये मिशन संभव को आपको कैसे सब्सक्राइब करना है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और लेक्चर्स सारे रिविजन लेक्चर्स चैप्टर वाइज चार्ट रिविजन जिसे मैं कहता हूँ ये सारे रिविजन लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर फ्री आएगी पर इससे रिलेटेड नोट्स कैसे मिलेगी तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और सब्सक्राइब कैसे करना पड़ेगा तो लेक्चर जीरो का पहले दस मिनट देख लेना लेक्चर ज़ीरो में पहले दस मिनट में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको सब्सक्राइब कैसे करना है हमारे वेबसाइट पे जाके और नोट्स आपको किस तरह से डाउनलोड करना है तो चलिए दोस्तों आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे और आज के सेशन में क्या टॉपिक होने वाला है तो आज के सेशन में हम लेने वाले कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई का रिमेनिंग बचा हुआ पोर्शन और वैल्यू ऑफ सप्लाई हम स्टार्ट कर देंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई में सेक्शन 15 हम कंप्लीट करेंगे सो so दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि पहले मैंने प्लान किया था कि आ, मिशन सम्मो के मोस्ट ऑफ द लेक्चर अगर पॉसिबल हो तो हम लाइव स्ट्रीमिंग में ले लेंगे लेकिन दोस्तों मैं आपको ये कह दूँ कि यहाँ पे मेरे एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स को देख के मैंने ये डिसाइड किया कि यहाँ ये मिशन संभव के जो चैप्टर वाइज चार्ट रिविजन है मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से रिकॉर्ड कर लूंगा मे बी मॉर्निंग में मे बी आफ्टरनून में और इवनिंग में वॉट इट में भी और ये जो यहाँ पे न्यूली रिकॉर्डेड सेशन और कुछ चैप्टर में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है तो एग्जिस्टिंग रिकॉर्डेड सेशन ऐसे मिलकर मैं आपको पूरे सेशन हमारे टाइम शेड्यूल के हिसाब से प्रोवाइड कर दूंगा पर मैं आपको एक चीज का एसरेंज देता हूं कि जो हमारा टाइम शेड्यूल है वो स्ट्रिक्टली टाइम शेड्यूल फॉलो करने की पूरी कोशिश करूंगा सो दैट ओके आपका आने वाला टाइम में पूरा रिवीजन मेरे साथ हो जाए और इस बार आईडीटी में अस्सी नीचे आपको सोचना भी नहीं है तो चलिए दोस्तों हमारा स्टार्ट करते हैं रिवीजन चलो आपको याद होगा तो हमने जो है सेक्शन सेवन वन ओके सेक्शन सेवन ए सेवन वन एवन वन बी और सेवन वन सी सेवन के चारों पैराग्राफ हमने कंप्लीट कर लिए थे ओके okay, तो इस तरह से और मैं आपको ये कह दूँ एग्जाम के हिसाब से जो सप्लाई चैप्टर है चार्ट से भी कर लिया तो दैट्स इनफ़ चार्ट्स और क्वेश्चनर स्पेशली एग्जामिनेशन क्वेश्चंस और आरटीबी क्वेश्चंस पी क्वेश्चन ये कर लेना आपने तो यहाँ तक तो हमारा <coughs> हो गया था ओके okay, और साथ साथ में मैंने ओके okay, जहाँ तक मुझे याद आता है तो यहाँ हमने लास्ट वाला भी देख लिया था इम्पोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन रिलेटेड पर्सन या आपने डीम डिस्टिंग अपनी ओन एस्टेब्लिशमेंट से सर्विस इम्पोर्ट किया आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस तो वो केस में वो सप्लाई माना जाएगा ओके okay, चलो अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन सेवन टू ए पे ओके सेक्शन सेवन यहाँ पे सेक्शन सेवन टू ए पे तो अब ये क्या कहते हैं यहाँ पे शेड्यूल थ्री पे आ जाओ सेक्शन सेवन टू ए शेड्यूल थ्री जो कहता है ओके ये शेड्यूल कहता है यहाँ पे पहला प्यारा मतलब इसमें जो एक्टिविटी हम देखेंगे वो सप्लाई नहीं बोली जाएगी उसमें पहला प्यारा सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट तो चलिए थोड़ा मैं इसके ऊपर एक डिस्कशन लेना चाहूंगा यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बनाई हुई है जो भी अभी मुझे कौन से फाइल में देखता हूँ अगर ये फाइल में मिल जाती है जस्ट मिनट तो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दिया इंपॉर्टेंट क्या है इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट दिया तो वो सिचुएशन में उसके ऊपर थोड़ा हाँ। तो ये वाले पार्ट को समझ लो अगर एम्प्लॉय ध्यान सुनना एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है और ये सर्विस इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट है जिसके अगेंस्ट में उसको सैलरी मिल रही है कंसिडरेशन मिल रहा है सैलरी और वेजेस <coughs> तो ऐसे केस में जो एम्प्लॉय सॉरी <coughs> जो एम्प्लॉय को कंसिडरेशन मिला उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा दोस्तों ठीक है सैलरी पे नहीं आएगा गवर्नमेंट नहीं लगाना चाहती है लेकिन इसके ऊपर थोड़ा स्पेशल हम डिस्कशन करेंगे जैसे इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट आपको सैलरी मिल रही होगी वेजेस मिल रहा होगा पेंशन मिल रहा होगा ग्रेचुटी मिल रहा होगा तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं होगा लेकिन लेट्स टॉक अबाउट परक्विजिट्स आपको एम्प्लॉय को परक्विजिट्स मिल रहे हैं फ्री मिल रहे हैं गुड्स और सर्विसेज एग्जाम्पल की तौर पर ओके एम्प्लॉय अपनी सर्विसेज दे रहे हैं उसके अगेंस्ट में सैलरी मिल रही है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा सैलरी पे नहीं आएगा और एक चीज़ ख्याल रखना जिसको भी पैसा मिलता है वो ऑलवेज सप्लायर होता है और जो पैसा देता है वो रिसीपेंड होता है जैसे आपके और मेरे इसमें आप मुझे पैसा दे रहे हो तो ओके okay, और मैं आपको सर्विस दे रहा हूं तो मैं सप्लायर हूं आप रिसपियंट हो एम्प्लॉय अपनी सर्विस उसको सर्विस दे रहा है उसका वेजेस ले रहा है तो एम्प्लॉय को जो सैलरी और वेजेस पेंशन ग्रेचुटी वगैरह मिलेंगे उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा अब बात करते हैं परक्विजिट की कभी कभी एम्प्लॉयर जो है परक्विजिट फ्री गुड्स और सर्विसेज देता है अब जब वो फ्री गुड्स और सर्विसेज देता है तो यहां एक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट होता है क्या एक तरफ शेड्यूल थ्री कहता है कि जो भी एम्प्लॉय को मिला एक तरफ शेड्यूल थ्री कहता है रिपीट कर रहा हूं जो भी एम्प्लॉय को मिला इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा दूसरे तरफ यहां पे शेड्यूल वन पैरा टू कहता है कि एम्प्लॉयर ने अगर कुछ भी फ्री दिया होगा एम्प्लॉय को और वो वैल्यू पचास हजार के ऊपर होगी तो वो केस में जीएसटी लग जाएगा भाई साहब ओके इसके एंगल से देखे तो इसको इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो भी मिल रहा है जीएसटी नहीं आएगा उसके एंगल से देखे तो उसने अगर पचास हजार के ऊपर कोई भी फ्री दिया तो जीएसटी आ जाएगा ये तो हो गया इसलिए फिर यहां पे सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन आपने कोई परक्विजिट मतलब ने परिजिट दिए फ्री दिए और फ्री दिए इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर लिखा हुआ है जैसे कैटरिंग सर्विस फ्री कैब फ्री गेस्ट हाउस जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ है तो अगर कोई इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा वो का, वो पैरा का वो का शेड्यूल सप्लाई माना परक्विजिट दिए एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के नहीं है, अब में नहीं है मतलब में नहीं है। पर हो गया जा तुझे बाइक दे दिया एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ था तो फिर यहाँ पे यस हमारा पैरा टू प्रोविजो लग जाएगी ऑफ शेड्यूल वन और पैरा टू शेड्यूल वन के हिसाब से ओके पचास हजार के ऊपर अगर वो गिफ्ट होगा तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा समझा होगा तो जोर से बोलो हाँ और लाइक ठोको ओके जोर से बोलो हाँ और लाइक ठोको तो अब ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो हमने ये जो है ओके गिफ्ट पे कब जीएसटी आएगी और कब नहीं आएगा ये भी साथ साथ में हमने देख लिया इसलिए परक्विजिट का जो क्लैरिफिकेशन है वो भी मैंने आपको बता दिया उसके बाद में कंपेंसेशन फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन हाँ बहुत सी बार आपको प्री मैच्योर टर्मिनेशन के कंपेंसेशन मिलते हैं जैसे ओके जैसे तीन साल का हम कहा रहा है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है पर कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिख दिया है कि अगर प्री मैच्योर मुझे टर्मिनेट कर दिया जाए पहले टर्मिनेट कर दिया जाए तो वो सिचुएशन में अगर पहले ही मुझे टर्मिनेट कर दिया जाए तो वो सिचुएशन में जीएसटी आएगा वो सिचुएशन में सॉरी जीएसटी नहीं सॉरी मेरे से गलती होगी ओके okay, अगर प्री मैच टर्मिशन तो कम्पेंेशन मिलेगा तो अगर ये कम्पेंसेशन एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है एम्प्लॉयमेंट का क्लॉज है तो इन द इन रिलेशन टू तो एम्प्लॉयमेंट बोला जाएगा और जीएसटी नहीं आएगा नॉट टैक्सेबल इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट नॉन कॉम्पिट फीस मिली अब नॉन कॉम्पिट फीस मिली यानी क्या ओके नॉन कॉम्पिट फीस मिली मतलब आपको यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा नॉन कॉम्पिट फीस मिली जैसे बहुत सी बार एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉय को एक हम पैसा देते हैं कि देख तू सेम इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं करेगा ओके okay, सेम इंडस्ट्री नहीं ज्वाइन करेगा उसका पचास लाख ले ले तो अब ये हम सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो हमें कॉम्पिट नहीं करेगा उसका पैसा लिया तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ तक है सी का कहना है कि ये जो नॉन कॉम्पिट फीस मिली ये एम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं है ये एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है टॉलरेंस या फॉर्बिरेंस या रिफ्रेनिंग तो ऐसे केस में ये सर्विस माना जाएगा ओके okay, उसके बाद में डायरेक्टर रेमुनरेशन जिसके बारे में हम आरसीएम चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे डायरेक्टर रेमुनरेशन पर ओके okay, और एक अच्छा डिस्कशन करेंगे बस दो मिनट में अभी समझ लो कि अगर डायरेक्टर कंपनी को सर्विस दे रहा है डायरेक्टर कंपनी को सर्विस दे रहा है और जो उसको रेमुनरेशन मिल रहा है उसका अगर टीडीएस वन में ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन वन में डिडक्ट हो रहा है उसका टी तो वो केस में इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा और उसको वो सप्लाई नहीं बोला जाएगा लेकिन अगर उसका टी अदर सेक्शन में डिडक्ट हो रहा है तो उसे सप्लाई ना जाएगा उसके बाद में सेकेंड जो पैरा दिया गया है सर्विस बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स मतलब क्या कोर्ट की सर्विस ट्रिब्यूनल की सर्विस सुनिए ध्यान से कोर्ट की सर्विस या ट्रिब्यूनल की सर्विस जो है कि उनकी एक डिग्निटी रखी है इवन दो कोर्ट फीस लगती है वो भी पैसा लेते हैं ट्रिब्यूनल पैसा लेता है इवन दो कमर्शियल केसेस होती है लेकिन गवर्नमेंट ने कोर्ट और ट्रिब्यूनल की यहाँ पे डिग्निटी रखी है और उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा उसके बाद में पैरा थ्री पैरा थ्री क्या कहता है पैरा थ्री कहता है एम पी पंचायत भाई ये तो गवर्नमेंट

उंट मिलता है तो अगर किसी को कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे लगाया गया जिसका उनको ऑर्नरी अमाउंट मिल रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा ओके okay, समझा कि नहीं समझा उसके बाद में नेक्स्ट उसके बाद में नेक्स्ट ड्यूटीज़ परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज अ चेयर पर्सन और मेंबर ऑफ मेंबर में डायरेक्टर ऑफ बॉडी एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट गवर्नमेंट की कोई बॉडी होगी कमेटी होगी ओके या बोर्ड होगा और उसके ऊपर कोई पर्सन को एज अ मेंबर अपॉइंट किया गया एज अ चेयर पर्सन अपॉइंट किया गया तो उसके ऊपर यहाँ पे उनको जो ऑर्डनरी अमाउंट मिलता है उसके ऊपर जी नहीं आएगा उसके बाद में सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल ब्यूरल क्रीमिटोरियम मार्चुरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट कहती है कि जा, जाते 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 जीएसटी मत लगा मतलब फ्यूनरल करते वक्त बहुत सारी सर्विसेज होती है जैसा जगह दी जाती है शमशान में शेड दिया जाता है उसके चार्जेस लगते हैं लकड़ियाँ दी जाती है उसके चार्जेस लगते हैं तो जो आपको शमशान में स्पेस दी गई ओके उसके बाद में जगह दी गई जलाने के लिए या मॉर्चुरी गाड़ने के लिए या वॉट्योरिक में भी जगह दी गई तो ऐसे केस में जो भी पर्सन जो होगा अगर फ्यूनरल ब्यूरल क्रीमिटोरियम मॉर्चुरी सर्विसेज जो है उसको दिया जा रहा है तो वो सर्विस इवन दो चार्जेस हो गए पर जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि पब्लिक सेंटीमेंट को अफेक्ट होगा उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज की अगर बात करें तो ओके यहाँ पे आगे कोई यहाँ पे डेथ होने के बाद घर से लेके तो शमशान तक यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस होगी तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा उसके बाद में ये ख्याल दो सेल ऑफ लैंड ख्याल रहे लैंड अगर सेल होती है या सेल ऑफ बिल्डिंग होगी सेल ऑफ लैंड होगी या सेल ऑफ बिल्डिंग होगी तो लैंड और बिल्डिंग अगर सेल होती है तो उसके केस में जीएसटी नहीं आता है पर ख्याल रहे ये बेनिफिट सिर्फ सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग को दिया गया है ओके okay, अब बिल्डिंग सेल ऑफ बिल्डिंग में मैं एक थोड़ा स्पेसिफिक आपको समझाना चाहता हूं अगर आगे मैं पैरा पैराफाइव ऑफ शेड्यूल टू समझाऊंगा अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले आपने पढ़ा होगा और याद होगा कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले अगर एडवांस बुकिंग की गई तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाता है हाँ, अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट है और डायरेक्ट सेल डीड बन रही है एग्रीमेंट टू सेल नहीं बन रहा है डायरेक्ट सेल डीड बन रही है जिसमें जिसमें आपकी आपकी बिल्डिंग बिल्डिंग सेल 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 की की गई है. <coughs> okay, है की गई है 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 ओके डीड बन रही और तो वो सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाता है सॉरी उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा एडवांस बुकिंग पे जीएसटी आएगा पर बिल्डिंग ऑफ सेल सेल डीड बन रही है जीएसटी नहीं आएगा इसलिए ओके okay, मैंने तीन पैरामीटर यहां बनाया सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ओके okay, सप्लाई नहीं बोला जाएगा लेकिन यहाँ पे रेंटिंग लीजिंग लाइसेंसिंग ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग के अगर रेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गए लाइसेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा ओके okay, वो सर्विस बोली जाएगी और सेल ऑफ बिल्डिंग बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी तो वो भी सप्लाई बोला जाएगा अब इसमें क्लैरिफिकेशन जो आप अच्छे से पढ़ के जाना भाई कौन सा क्लैरिफिकेशन है यहाँ पे ओके सेल ऑफ लैंड इधर आफ्टर एज इट इज और आफ्टर डेवलपमेंट बहुत सी बार क्या होता है कि आप एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हो प्लॉटिंग करते हो प्लॉटिंग में आप लेवलिंग ओके okay, या ड्रेनेज लाइन इलेक्ट्रिसिटी लाइन डेवलप करके बेचते हो प्लॉट बेचते हो तो अगर आपने डेवलप करके भी बेचा तो भी वो सेल ऑफ लैंड ही माना जाएगा और जो डेवलप करके बेचा उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा ये बात ध्यान रखना क्योंकि इवन तो आपने डेवलप करके बेचा होगा पर अल्टीमेटली सेल ऑफ लैंड ही है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा इसके बाद में हम देखेंगे पैरासिक्स ये पैरासिक्स क्या कहता है देखो यहाँ पे

अब मैं पॉइंट नंबर वन आपको समझाऊंगा एक्शनेबल क्लेम जहां तक देखा जाए तो एक्शनेबल क्लेम गुड्स के डेफिनेशन में आता है इसलिए एक्शनेबल क्लेम को गुड्स माना जाता है लेकिन सारे एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं आएगा अभी उन्होंने कहा कि हम कुछ एक्शनेबल क्लेम स्पेसिफाई करेंगे और वो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम पे ही जीएसटी आएगा तो अब उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाइड अगर ऊपर वाले पेज पे जाते हो तो उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम का डेफिनेशन दिया हुआ है स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम का क्या डेफिनेशन दिया है उन्होंने तो उन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम ये डेफिनेशन एग्जाम में आ सकती है ओके okay, पढ़ के जाना स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम ओके बेटिंग कैसीनो ऐड कर दिया गैमलिंग पहले था हॉर्स रेसिंग ऐड कर दिया लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग ध्यान रखना ऑनलाइन गेमिंग नहीं ऑनलाइन मनी गेमिंग जिसमें पैसा लगाया जा रहा है तो पहले क्या था लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग तीन नहीं थे अब उन्होंने इसको बढ़ा दिया और ये कह दिया कि इंडिया में अब जो कैसिनोस पर खेला जाएगा ओके उस पर जीएसटी आ जाएगा हॉर्स रेसिंग पे जो खेला जाएगा उस पर जीएसटी आएगा वो भी स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम होगा उसके बाद में ऑनलाइन मनी गेमिंग तो बहुत सी बार ओके यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग पैसा लगाते हो ओके तो ऐसे बहुत से ऐप मिल जाएंगे आपको जिसमें ऑनलाइन मनी गेमिंग है ओके जिसमें पैसा लगाते हो पैसा जीतते हो क्रिकेट वाले ऐप बहुत सारे हैं तो ऐसे केस में ऑनलाइन मनी गेमिंग होगा तो जो पैसा आप लगाते हो उसके ऊपर अब जी आएगा अब जी आएगा ओके तो यहाँ पे ऑनलाइन मनी गेमिंग पर जीएसटी लाया गया ओके okay, वाह भाई साहब वाह मजा आ गया ओके okay, तो यहां पे ख्याल रखना अमेंडमेंट ये हुई कि पहले सिर्फ लॉटरी बेटिंग गैमलिंग तीन एक्शनेबल क्लेम टैक्सेबल थे अब इन्होंने कैसीनो हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन मनी गेमिंग पर भी जीएसटी लाया था अब न्यूज सुनी होगी तो बीच में बहुत बवाल हुआ अभी भी इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में रेट पिटिशन पेंडिंग है ओके okay, की ये सर्विस है या नहीं है पर व्हाट एवर इट में भी भाई साहब अभी हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे अभी तो एग्जाम परपज के लिए यही लिखेंगे कि ऑनलाइन मनी गेमिंग जो है इसके ऊपर जीएसटी आएगा चलो डन डन है डन डन तो हमने ये देखा यहां पे

यानी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी हो और ट्रांजेक्शन इंडिया के थ्रू रूट हुआ हो अगर ट्रांजेक्शन इंडिया के रूट थ्रू रूट हुआ हो मतलब क्या मतलब यहाँ पे कि परचेस किया मैंने यूएस से और सेल किया जापान सुनना परचेस किया यूएस से और सेल किया जापान तो अगर बाहर के बाहर गुड्स का सप्लाई हुआ, हुआ होगा इवन दो परचेस और सेल इंडिया में हुई पर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी होगा तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा उसके बाद में यहाँ पे ओके एंट्री नंबर एट एंट्री नंबर एट क्या कहता है तो एंट्री नंबर एट ये कहता है कि सप्लाई गुड्स ओके टू एनी पर्सन फ्रॉम द वेयर हाउस मतलब अगर कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस से आपने अगर कोई गुड्स ओके सप्लाई किया तो जैसे सप्लाई वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन तो कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस से आपने अगर सप्लाई किया तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा ओके तो वेयर हाउस सेल पे जीएसटी नहीं आएगा और एंट्री नंबर एट बी ओके एंट्री नंबर एट बी जो कहेगा कह रहा है कि अगर आपने ट्रांजिट सेल किया ट्रांजिट सेल किया मतलब हाई सी सेल किया यानी इंडिया में क्लियर होने के पहले अगर आपने ट्रांजेक्शन किया होगा तो इंडिया में क्लियर होने के पहले अगर आपने ट्रांजेक्शन किया होगा तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा जिसको हम हाई सी सेल कहते हैं बिफोर क्लियरेंस अगर इंडिया में कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा और ये जो है यहां पे एंट्री नंबर सेवन और एट फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी थ्री कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होगा आई रिपीट ये इफेक्ट से लिया जाएगा ओके okay, ये फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी थ्री कहते हैं ओके okay, तो ये हमने देखा कि यहाँ पे एंट्री नंबर सेवन एंट्री नंबर एट और कि बाहर के ट्रांजेक्शन के लिए कवर किया है या वेयरहाउस कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस सेल के लिए कवर किया है या हाई सी सेल बिफोर क्लियरेंस इन इंडिया अगर ऐसे ट्रांजेक्शन इंडिया में होते हैं तो उसके वो सप्लाई नहीं बोला जाएगा और फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी में जस्ट इतना कहा है कि इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा मतलब ये एक जुलाई दो से ही अपलीकेबल हुआ ये माना जाएगा उसके बाद में सेक्शन सेवन बी सेक्शन सेवनटी बी जो है गवर्नमेंट अपनी ही सर्विसेज कुछ नोटिफाई करेगी जो सप्लाई नहीं कही जाएगी जैसे आर्टिकल टू फोर्टी थ्री जी और आर्टिकल टू फोर्टी थ्री डब्ल्यू रिपीट आर्टिकल टू फोर्टी थ्री जी और आर्टिकल टू फोर्टी थ्री डब्ल्यू जैसे पंचायत है है, और एनी अदर सर्विस ग्रांटिंग लिकर लाइसेंस okay, लिकर लाइसेंस बाय स्टेट गवर्नमेंट यस ओके लिकर लाइसेंस बाय स्टेट गवर्नमेंट तो वो भी सप्लाई नहीं माना जाए उन्होंने सिर्फ लिकर लाइसेंस को बेनिफिट दिया है अदर लाइसेंस को नहीं यानी अगर स्टेट गवर्नमेंट अदर लाइसेंस दे रहे माइन के लाइसेंस ले रहे natural, अ, अ, यहाँ पे के लाइसेंस दे रहे तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा ओके सिर्फ ओके यहाँ पे गवर्नमेंट की पंचायत की एक्टिविटी या म्यूनसिपलिटी की एक्टिविटी आर्टिकल टू जी में या टू डब्ल्यू में या लिकर लाइसेंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट इसे सप्लाई नहीं बोला जाएगा चलिए तो ये हमने देखा पे पे ओके यहां पे जो शेड्यूल टू था कि कुछ एक्टिविटी को सप्लाई नहीं बोला जाएगा और आपको मेरा याद होगा तो मैंने इसकी एक मेमोरी टेक्निक बना के दी थी ओके या, मैं, अगर आपने मेरा क्लास किया होगा तो ओके मेमोरी टेक्निक एक स्टोरी लाइन थी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का झगड़ा हुआ दोनों कोर्ट में गए याद आ रहा है दोनों कोर्ट में गए इस स्टोरी लाइन पे पूरे पैरास याद हो जाते हैं दोनों कोर्ट में गए एमपीएमएलए की सिफारिश ली एम पी की सिफारिश ली मतलब यहां पे एम पी की सर्विसेज उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है हम कुछ नहीं कर सकते कोर्ट का रिजल्ट आने के पहले चल बसे याद आ रहा है आपको यस फ्यूनरल ओके पता चला झगड़ा लेन एन बिल्डिंग का था जो लॉटरी बेटिंग वेटिंग में जीती गई थी जो स्पेसिफाइड एक्शन अस बार लाया गया और फिर एंट्री नंबर सेवन और एट ओके okay, अगर ट्रांजेक्शन बाहर के बाहर होता है तो वो सप्लाई नहीं माना जाता है या फिर कस्टम बॉन्डेड वेराउस का सप्लाई होगा या फिर यहाँ पे हाईसी सेल सप्लाई होगा जो इंडिया में क्लियर होने के पहले होगा तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा तो चलिए दोस्तों ये या हमने यहाँ पे कंप्लीट किया इस तरह से हमने यहाँ पे शेड्यूल थ्री को कंप्लीट किया तो ये पूरा अब सप्लाई सामने आ गया कब सप्लाई बोला जाएगा सेवन वन ए सेवन वन ए ए सेवन वन बी और सेवन वन सी मतलब शेड्यूल वन इसमें आता होगा तो सप्लाई नहीं तो सप्लाई नहीं और कुछ एक्टिविटी सप्लाई के बाहर रहेगी जो हमने यहाँ पे देख लिया तो ये चार्ट इतना सुपरभ है कि ये चार्ट में आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा रियली बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा डन 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 यस सर समझ में आ जाएगा यानी इतना जबरदस्त फ्लो लगेगा कि आप थोड़ा एक बार ट्राई करना इतना जबरदस्त फ्लो लगेगा कि तीस चालीस पेजेस एक चार्ट में खत्म हो गए चलो भाई साहब अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब देखते हैं शेड्यूल टू शेड्यूल टू का जन्म होता है सेक्शन सेवन वन ए सेवन वन कैपिटल ए से शेड्यूल टू क्या कहता है शेड्यूल ये कहता है कि अगर आपकी एक्टिविटी सप्लाई हो चुकी है सुनना आपकी एक्टिविटी सप्लाई हो चुकी है अब प्रॉब्लम ये नहीं कि सप्लाई है या नहीं इट्स अ सप्लाई पर वो सप्लाई गुड्स का है या वो सप्लाई सर्विस का है ये जानना बहुत जरूरी है ये जानना इसलिए जरूरी है <coughs> इसलिए जरूरी है बेटा कि समझ लो आप जो है यहाँ पे टैक्स इन्वाइस बना रहे हो ओके okay, ये आप टैक्स इन्वायस बना रहे हो सॉरी अब कोई टैक्स ले लेते ले हैं हाँ समझ लो कोई <coughs> ये आपका टैक्स इन्वायस है सप्लायर है ओके एक्सवाइजेड लिमिटेड उसका जीएसटी नंबर ओके रिसिपियंट है मैं मैं रिसिपियंट हूँ अब वो जो सप्लाई कर रहा है वो सप्लाई का एच कोड देना पड़ता है क्योंकि उसके बेस पर आपको जीएसटी रेट रहते हैं तो आपके सप्लाई किस में क्लासीफाई हो गए गुड्स में हो गए या सर्विस में हो गए क्योंकि रेट्स अलग अलग है ओके okay, तो आपका क्लासिफिकेशन सप्लाई तो है जीएसटी आएगा ये कंफर्म है लेकिन गुड्स का है या सर्विस का है ओके okay, रेट्स के लिए के लिए उसके बाद में टाइम ऑफ सप्लाई के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए ये आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में ओके okay, यहाँ पे फिर पिक्चर में आता है शेड्यूल टू शेड्यूल टू ने कुछ ऐसी एक्टिविटीज ध्यान सुनना शेड्यूल टू ने कुछ ऐसी एक्टिविटीज दी है और ये एक्टिविटीज आ, कुछ ऐसे एक्टिविटीज दी है अगर ये एक्टिविटी आप करते हो तो वो क्लासिफाई करता है आपका सप्लाई वो सप्लाई गुड्स का होगा या वो सप्लाई सर्विस का होगा जैसे ओके ये तो आपको लर्न करनी पड़ेगी सभी लेकिन मैं समझा देता हूं पहला ट्रांसफर ऑफ गुड्स ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स और ट्रांसफर ऑफ फ्यूचर टाइटल हायर परचेज जब आप किसी को गुड्स दे रहे हो समझ लो ये आपका गुड्स है और ये गुड्स किसी को ट्रांसफर कर रहे हो ट्रांसफर करते वक्त टाइटल देते हो ओनरशिप जा रही है तो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाय गुड्स का है और उसको एच कोड यानी ओके गुड्स का कोड गुड्स का लगेगा गुड्स के रेट लगेंगे अगर चलो अभी टाइटल नहीं दे रहे हो लेकिन फ्यूचर टाइटल दे रहे हो एग्जाम्पल है हायर परचेज तो वो वो भी सप्लाय गुड्स माना जाएगा लेकिन आप गुड्स के टाइटल नहीं दे रहे हो आप गुड्स के राइट्स दे रहे हो राइट्स इन गुड्स या अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स दे रहे हो एग्जाम्पल के तौर पे आप ये गुड्स भाड़े पे दे रहे हो रेंट पे दे रहे हो आप चेयर रेंट पे दे रहे हो कैमरा रेंट पे दे रहे हो या जो भी आप रेंट पे दे रहे हो और वो भाड़े पे दे रहे हो ओके okay, और उसके ओनरशिप नहीं जा रही है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा या अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स ओके तो अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स भी सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा इसके लिए एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा जो मैं रेगुलर बैच में लेता हूँ देखो बेटा ओके अनडिवाइडेड शेयर का एक एग्जाम्पल मैंने लिया था कि मैं हॉस्टल में रहता था और हमने तीनों जन मिलके एक हॉट वाटर कॉयल जो पानी गर्म करता है वो हमने लाया था और के तीनों पार्टनर थे हम रूम में और तीनों हमने मिलके लाया था 150 150 150 फिफ्टी वन किया था और चार सौ का हमने लाया था उसमें का अब वो वो जो हॉट वाटर कॉयल हमने लाया था उसमें तीन लोगों का शेयर था ओके okay, तीन लोगों का शेयर था तीनों ने कॉन्ट्रीब्यूट करके हमने लाया था क्योंकि भाई हॉस्टल में पानी गर्म कैसे करे अब उसमें का एक पार्टनर जा रहा है एक पार्टनर जा रहा है तो वो उसने कहा कि मैं ये कॉइल लेके जाता हूं मैंने कहा हाथ तो लगा क्योंकि उसमें सिर्फ तेरा शेयर नहीं है हमारा भी शेयर है अनडिवाइडेड शेयर है अब उसको तोड़ तो नहीं सकते अनडिवाइडेड शेयर है तो हाथ तो लगा झगड़ा हो गया फिर मैंने उसको समझाया कि एक काम कर जब नया पार्टनर आएगा तो नए पार्टनर से हम हंड्रेड या वन फिफ्टी ले लेंगे और तेरे को ट्रांसफर कर देंगे तो अपना अनडिवाइडेड शेयर गुड्स का ट्रांसफर कर देना तो नया पार्टनर आया उससे हमने हंड्रेड लिए और इसको दिए तो इसको जो हंड्रेड मिले फॉर ट्रांसफरिंग द अनडिवाइडेड शेयर क्या ये सेल ऑफ

अरे याद आया कि नहीं आया याद आया ओके okay, तो चलिए ये था यहाँ पे पैरावन तो कब कॉन्ट्रैक्ट गुड्स के कहना कब कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के कहना सेकंड लैंड एंड बिल्डिंग सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग ये एक्सक्लूडेड है पर अगर ओके लैंड एंड बिल्डिंग लीज पे टेनेंसी पे इजमेन पे लाइसेंस पे लैंड दी गई तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है या बिल्डिंग आपने लीज और लेटिंग पे दिया तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है तो ये पैरा टू कहता है कि लाइन एंड बिल्डिंग के यहाँ पे सेल के कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के लीज टेंडेंसी इजमेंट लाइसेंस वगैरह होगा तो सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी उसके बाद में तीसरा ट्रीटमेंट और प्रोसेस सॉरी बेटा ओके ट्रीटमेंट और प्रोसेस अब अगर यहाँ पे ये यह वाला पॉइंट समझ लो कोई दूसरा आपको गुड्स प्रोवाइड कर रहा है जैसे कोई आईपैड आपको दे रहा है और आप इसके ऊपर रिपेयर प्रोसेस कर रहे हो रिपेयर करके आप दे रहे हो इवन दो आप गुड्स दे रहे होगे प्रोसेस करके लेकिन गुड्स आपका नहीं है किसी अनादर पर्सन का गुड्स है तो किसी अनादर पर्सन जैसे आप, हमने फर्नीचर प्रोवाइड किया और वो पॉलिशिंग करके दे रहा है तो इवन दो वो गुड्स हमें वापस कर रहा है पर ये कॉन्ट्रैक्ट गुड्स का नहीं बोला जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट उस गुड्स पे ट्रीटमेंट या कुछ प्रोसेस की गई ओके तो ये कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस में क्लासीफाई किया जाएगा इसलिए जब भी आपको सुनना यहाँ पे जब भी आपको कोई गुड्स मिले या जब भी आपको सर्विसेस मिले ओके okay, जब भी आपको कोई गुड्स मिले या सर्विसेज मिले जिसके ऊपर जस्ट आप प्रोसेस कर रहे हो पर मेन गुड्स किसी और का है तो वो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस का बोला जाएगा उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट तो आपकी बिजनेस असेट अब तो आपने ट्रांसफर की होगी हो सकता है फॉर कंसिडरेशन की होगी बिजनेस असेट है फॉर कंसिडरेशन की होगी तो सप्लाई है या फिर आपने विदाउट कंसिड्रेशन की होगी पर आई लिया होगा तो सप्लाई है तो सप्लाई है ये क्लियर हो गया लेकिन वो गुड्स का बोला जाएगा या सर्विस का तो अगर आपने परमानेंट ट्रांसफ़र किया तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा और आपने अगर टेम्प्रेरी यूज़ करने दिया अदर देन फॉर बिजनेस तो सर्विस बोला जाएगा एग्जांपल की तौर पे समझ लो आपका स्टॉक पड़ा है आपकी बाइक में और ये बंदे का बेटा नालायक है ओके okay, एक अब हाँ बिजनेस असेट है और ये बंदे का बेटा बाइक उठा के परमानेंटली घर पे लेके गया तो अगर बिजनेस का कोई गुड्स परमानेंटली घर पे चले गया तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे ये सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा ओके okay. और अगर ये बिजनेस का गुड्स टेम्प्ररी कोई लेके जाता है अदर देन फॉर बिजनेस डबल सीट बैठा के तो टेम्प्ररी फॉर बिजनेस होगा तो वह सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा तो इन शॉर्ट बिजनेस की कोई भी असेट ये तो कॉमेडी एग्जांपल था बिजनेस की कोई भी असेट अगर आप परमानेंट शिप करते हो और वो सप्लाई होगा तो गुड्स का और टेम्प्रेरी शिप करते हो तो सप्लाई ऑफ सर्विस का अरे भाई ओके okay, समझा कि नहीं समझा ओके okay, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये नोट बड़ी इंपॉर्टेंट है ये यहां पे

आपने डी रजिस्ट्रेशन करवा लिया ध्यान से सुनना आपने डी रजिस्ट्रेशन करवा लिया या रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया तो ये चक्रव्यूह इतना खतरनाक है कि अगर इंडिया में जीएसटी का कोई भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है 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 या के लिए जाता सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन होता तो उस दिन उसके असेट में जो भी गुड्स होगा वो सप्लाई मान लिया जाएगा भाई साहब उसने सेल नहीं किया सेल नहीं किया पर डीम टू बी सप्लाई मान लिया जाएगा उसने सेल नहीं किया पर डीम टू बी सप्लाई मान लिया जाएगा इन द कोर्स ऑफ बिजनेस तो इसलिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाने के पहले दस बार सोचना कि आपके बिजनेस में जो भी पड़ी पड़ी होगी पड़ी होगी वो मान लिया जाता है Unless, बिजनेस था 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 था। लेकिन आप रजिस्ट्रेशन इसलिए कैंसिल कर रहे हो क्योंकि आपने बिजनेस बेच दिया और कोई चला रहा है कोई चला रहा है तो कोई दिक्कत नहीं फिर फिर आपके असेट पर जीएसटी नहीं आएगा या आपका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव चला रहा है ओके यानी बिजनेस चलना चाहिए रुक गया ओके अगर वो रुक गया तो और आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया तो बिजनेस में जितने भी असेट होगी उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा लेकिन आपका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होगा और वो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव यहां पे बिजनेस इज केड ऑन बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन ओके पर्सन तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो वो केस में यहां पर जीएसटी नहीं आएगा आपके असेट पे तो चलो ये हमने पैरा फोर देखा अब आ जाओ पैरा फाइव पे यस yes, बेटा बताओ अच्छे से समझ में आ रहा है जस्ट मिनट में पानी लेके आता तो, एक मिनट बिल्कुल ठीक है अच्छे से समझ में आ रहा है आपके चलो अब आते हैं पैराफाइव पैराफाइव में वो क्या कहते हैं रेंटिंग ऑफ इमुबल प्रॉपर्टी अब कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस बोले जाएंगे कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोले जाएंगे पहला रेंटिंग ऑफ इमुबल प्रॉपर्टी दूसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर या इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर बट हाँ, अब समझ लो अगर कोई बिल्डर देखो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे जीएसटी का बात है अगर कोई बिल्डर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इंटेंडेड फॉर सेल यानी एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा ओके एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा और ये इंटेंडेड फॉर सेल जो बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट होगा तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा यानी आपने कोई फ्लैट खरीदा और आपने फ्लैट एडवांस बुकिंग में खरीदा आपने कोई शॉप खरीदी ऑफिस खरीदा और एडवांस बुकिंग में खरीदा तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा बट इन फॉलोइंग केस इट इट शाल नॉट बी ट्रीटेड सप्लाई कौन सा वेन एंटायर कंसिडरेशन बिन आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विचर इज अर्लियर मतलब क्या लेकिन अगर आपका एंटायर कंसिडरेशन जो है आपने कोई फ्लैट खरीदा ऑफिस खरीदा शॉप खरीदा और जिसमें आप पैसा कंप्लीशन के बाद दे रहे हो पैसा कंप्लीशन के बाद दे रहे हो तो वो केस में बेटा जीएसटी नहीं आएगा वो सेल ऑफ बिल्डिंग बोला जाएगा लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीशन कंप्लीशन के पहले यानी सर्टिफिकेट के पहले अगर आपने बुक किया तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो आप कोई फ्लैट खरीद रहे हो फोर्थ फ्लोर पे फिफ्थ फ्लोर पे या शॉप खरीद रहे हो ओके वो फ्लैट की वैल्यू है एटी लैक्स रुपीज अब एटी लैक्स में आपने कंप्लीशन के पहले ओके बिफोर कंप्लीशन आपने 40 लाख दे दिया 20 लाख दे दिया एडवांस में और 20 लाख आफ्टर कंप्लीशन दिया तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपने पहले एक रुपया भी दे दिया ना तो आपके ऊपर जीएसटी आ जाएगा और यहां पे वैल्यू 80 लैक्स मानी जाएगी सुनिएगा तो यहां पे वैल्यू 80 लैक्स मानी जाएगी और टोटल 80 लैक्स पे यहां पे जीएसटी आ जाएगा भाई साहब टोटल एटी लैक्स पे जीएसटी आ जाएगा दूसरा एग्जाम्पल अगर आपने पहले एक रुपया भी दे दिया एक रुपया भी पहले दे दिया तो भी जीएसटी आ जाएगा जीएसटी कब नहीं आएगा ओके, okay, जब आपने इंटर कंसिडरेशन आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी आफ्टर दिया तो वो केस में आपके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा ये समझ में आएगा आपको ये समझ में आएगा आपको प्लीज बताओ। ओके, okay, तो ये था यहां पर बुकिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी के पहले अगर आपने एक रुपया भी दे दिया तो जीएसटी आएगा जीएसटी बचाना है तो फिर कंप्लीशन होने के बाद खरीदो तो वो सेल ऑफ बिल्डिंग मानी जाएगी और उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा समझा होगा तो जोर से बोलो यस सर उसके बाद में टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अगर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है जैसे कॉपी राइट्स है पेटेंट है ट्रेडमार्क है और आपने किसी को टेम्प्रेरी दिया जिसका रॉयल्टी लिया तो अगर आपने टेम्प्रेरी दिया और उसका रॉयल्टी लिया होगा तो वो सिचुएशन में यहां पे वो जो रॉयल्टी मिला होगा वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा नहीं ओके okay. उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा अगर टेम्प्रेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपने दिए उसके बाद में डेवलपमेंट डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग जस्ट मिनट बेटा हाँ, उसके बाद में मैं बता देता हूँ डेवलपमेंट डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग एडोप्टेशन एडोपेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर अगर आप किसी को सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हो डेवलप करके दे रहे हो प्रोग्राम करके दे रहे हो ओके okay, होडोप्टेशन उसमें करके दे रहे हो तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा लेकिन यहाँ पे ख्याल रखना कि अगर आपने प्री पैक सॉफ्टवेयर यानी रेडी सॉफ्टवेयर दिया आई रिपीट प्री पैक सॉफ्टवेयर यानी रेडी सॉफ्टवेयर दिया तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा सर्विस कब बोला जाएगा जब आपने सॉफ्टवेयर कस्टमाइज करके दिया उसके हिसाब से डेवलप करके दिया डिजाइन करके दिया प्रोग्रामिंग करके दिया तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा हाँ लाइसेंस ऑफ प्रीपेक् सॉफ्टवेयर जैसे लाइसेंस फीस होती है की होती है जैसे हम आपको जो सॉफ्टवेयर uh, प्रोवाइड uh, करते हैं उसकी की लगती है दो सौ रुपए तीन सौ रुपए तो वो लाइसेंस अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा नाउ नेक्स्ट एग्रींग टू बी ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेंड फ्रॉम एन एक्ट ओके और टू टॉलरेट एन एक्ट और टू डू एन एक्ट मतलब क्या है कि अगर कुछ न करने का भी पैसा मिलता है कुछ ना करने का भी पैसा मिलता है कि ठीक है मैं ऐसा नहीं करूंगा पचास लाख लूंगा जैसे ओके एक जगह समझ लो हमारे जो पुणे में प्रेस्टीज पॉइंट है वाइन की शॉप वहां पे चालू हो रही है हम गए उसके पास भाई मत लगा वाइन की शॉप तो वो कह रहा है ठीक है नहीं लगा होगा मुझे पचास लाख रुपए चाहिए ओके भाई स्टूडेंट आते हैं वाइन की शॉप कहाँ लगा रहा है तू यहाँ पे तो वो कहता है कि नहीं मुझे पचास लाख रुपये चाहिए तो कुछ न करने का पैसा लिया ओके okay, कोई यहाँ पे गुंडा है हाँ लीगल हो या इलीगल हो कोई गुंडा हो हमने कहा देख भाई ऐसा मत करना मैं पचास लाख रुपए दूंगा कोई यहाँ एक्टिविटी मत करना ओके okay, हमारे यहाँ शादी है वैसे कुछ ना करने का टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट टू टॉलरेट एन एक्ट या कुछ टॉलरेट करने का पैसा लिया तो वो सिचुएशन में वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और उसके ऊपर भी जीएसटी आएगा ओके okay, उसके ऊपर भी जीएसटी <coughs> आएगा उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ राइट टू तो यूज एनी गुड्स ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा तो इस तरह से हमने कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट देखे पैरा फाइव में जो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ माने जाएंगे अब आ जाओ पैरा पैरा में <coughs> एक इंपॉर्टेंट पैरा है <coughs> पैरा पैरासिक्स एक इंपॉर्टेंट पैरा है।, <coughs> है तो ये क्या कहता है दो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एक है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट <coughs> मिनट एक है वर्क कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा रेस्टोरेंट कैटरिंग और अदर सर्विस दो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कंपोजिट है जिसमें गुड्स भी है सर्विस भी है और सर्विस भी है यह कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज सप्लाय सर्विस माने जाएगा माने जाएगी गुड्स कितना भी डॉमिनेट हो अभी building, outs, अब वक्स कॉन्ट्रैक्ट कहने क्या वर्स कॉन्ट्रैक्ट कहने बिल्डिंग इंस्टॉलेन मेंसन फिटिंग फेब्रिकेशन इंप्रूवमेंट एक्सेट्रा ऑफ इमुबल प्रॉपर्टी बार एक कॉन्ट्रैक्टर जो है इमोएबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है जिसमें गुड्स भी उसका सर्विस भी उसकी रिपेयर ले कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है जिसमें गुड्स भी उसका सर्विस की होगी उसको वर्क कंप्लीट करके देना है और उसने वर्क कॉन्ट्रैक्ट लिया अगर उसने वर्क कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा जो कॉन्ट्रैक्ट गुड्स प्लस सर्विस का है और इमोएबल प्रॉपर्टी पर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा दूसरा दूसरा यहां पे रेस्टोरेंट कैटरिंग और एनी सप्लाई ऑफ सर्विस वेर फूड ड्रिंक इज सप्लाइड मतलब रेस्टोरेंट हो कैटरिंग हो या कोई भी सर्विस जहां कि फूड सप्लाई हो रहा है ड्रिंक सप्लाई हो रहा है अदर देन अल्कोहल उसमें फूड कितना भी एलिमेंट हो पर पूरा कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा तो दो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें गुड्स प्लस सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट है बंडल है कंपोजिट सप्लाई है पर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विसेज माने जाएंगे तो इस तरह से हमने शेड्यूल टू देखा और शेड्यूल टू में हमने क्लासिफिकेशन देखा कि कब आपका कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ में जाएगा और कब आपका कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई सर्विसेस में जाएगा आई होप यू अंडरस्टूड यस और नो वेरी गुड चलो उसके बाद में यहां तक समझाओगे तो जोर से लाइक ठोको ओके okay, देखो ये मैं आपको कह देता हूं ये रिवीजन है बेटा अगर आप ये सोच रहे होगे कि मैं लॉजिक बताऊ क्यों आया तो भाई साहब फिर आपको जो है मेरा एग्जाम ओरिएंटेड या रेगुलर बैच लगाना पड़ेगा ओके okay, ये रिवीजन है इसमें मैं एक्सपेक्ट करके आता हूं कि आपने पढ़ा होगा और मैं आपको पूरा ब्रशअप करके दे रहा हूं ओके या फिर ओके आपको लिंक लगा के दे रहा हूं सो so दैट आप कनेक्ट हो जाओ सब्जेक्ट से और फटाफट रिविजन कर लो यस yes और नो no? बेटा रिस्पॉन्स देने का अभी क्वेश्चन एंटरटेन हम एंड में करेंगे अभी नहीं करेंगे अब लाइव तो रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है क्या कोई क्वेश्चन हुआ ओके मैं जो है ये हम बाद में देखेंगे ठीक है चलिए तो अब यहां पे ये तो हमने देखा यहां पे शेड्यूल टू उसके बाद में हम देखेंगे एक कॉन्सेप्ट है सेक्शन एट कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई सेक्शन एट कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई ये कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई क्या है अगर आपका सप्लाई कंपोजिट सप्लाई होगा नीचे डेफिनेशन दी है तो अगर आपका सप्लाई कंपोजिट सप्लाई होगा जिसमें टू और मोर सप्लाई होगी तो वो प्रिंसिपल सप्लाई में क्लासिफाई किया जाएगा जैसे बहुत सी बार एग्जाम्पल लो मोबाइल विथ चार्जर अब मोबाइल विथ चार्जर ये बंडल सप्लाई है ओके तो कंपोजिट सप्लाई गुड्स प्लस गुड्स के हो सकते हैं कंपोजिट सप्लाई सर्विस प्लस सर्विस के हो सकते हैं सर्विस प्लस गुड्स के हो सकते हैं तो कोई भी मतलब टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई है ओके okay, और वो जो कंपोजिट सप्लाई है तो इसमें इसका क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है ओके okay, क्योंकि ये गुड्स का रेट अलग हो सकता है ये गुड्स का रेट अलग हो सकता है ये सर्विस का रेट अलग हो सकता है ये सर्विस का रेट अलग हो सकता है ओके okay, लेकिन आपने कंपोजिट करके दिए सुनिए ध्यान से आपने कंपोजिट करके दिए तो अगर आपका सप्लाई कंपोजिट सप्लाई होगा तो उसमें जो मेन सप्लाई होगा उसका रेट लगेगा पूरे बंडल को जैसे बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ महाराष्ट्र में ओके okay, वड़ा पाव विथ वड़ा पाव विथ मिर्ची एंड चटनी अब ये बंडल दिया जा रहा है वड़ा वड़ा है पाव है वड़ा पाव है और उसके साथ चटनी मिर्ची दिया जा रहा है एक बंडल बना के दिया जा रहा है तो अज्यूम करो कि वड़ा पाव के लिए रेट अलग है मिर्ची के लिए रेट अलग है चटनी के लिए रेट अलग है पर ये अगर बंडल में दिया जा रहा है तो इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है प्रिंसिपल सप्लाई इसमें जो है वड़ा पाव तो पूरा बंडल वड़ा पाव माना जाएगा मोबाइल विद चार्जर मोबाइल विद चार्जर में प्रिंसिपल सप्लाई क्या है मोबाइल है तो अगर मोबाइल प्रिंसिपल सप्लाई है तो पूरा सप्लाई मोबाइल का माना जाएगा लैपटॉप विद चार्जर पूरा सप्लाई लैपटॉप का माना जाएगा तो आपका पूरा सप्लाई जो है उसमें क्लासिफाई होगा जो प्रिंसिपल है फिर प्रिंसिपल का रेट होगा तो एटीन प्रिंसिपल का रेट ट्वेंटी एट होगा तो पूरा बंडल ट्वेंटी एट में <coughs> अगर प्रिंसिपल का रेट जो है यहाँ पे एग्जम्प्ट होगा तो एग्जम्प्ट एग्जाम वाला एग्जाम्पल लेता हूँ जैसे आप बोर्डिंग स्कूल है आपकी बोर्डिंग स्कूल में एजुकेशन प्लस लॉजिंग प्लस कैटरिंग है तीन का बंडल दे रहे हो तो बोर्डिंग स्कूल आपसे पांच लाख रुपए ले रही है जिसमें एजुकेशन फीस भी आ गई लॉजिंग भी आ गया और कैटरिंग भी आ गया सब मिला के आपको जो पांच लाख लगाए जा रहे हैं तो अब इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है प्रिंसिपल सप्लाई एजुकेशन है और ये कंपोजिट सप्लाई नेचुरली बंडल्ड है ओके okay, तो यहाँ एजुकेशन है तो एजुकेशन एग्जमट है तो पूरा सप्लाई एग्जाम मान लिया जाएगा तो इन शॉर्ट अगर आपका सप्लाई कंपोजिट सप्लाई में आता है तो प्रिंसिपल सप्लाई में क्लासीफाई किया जाएगा और उसका रेट लगाया जाएगा लेकिन अगर आपका सप्लाई मिक्स सप्लाई होगा सुनिए आपका सप्लाई अगर यहां पे मिक्स सप्लाई होगा कॉम्प्राइजिंग टू और मोर सप्लाईज तो वो सिचुएशन में हाइएस्ट रेट उसमें जो हाइएस्ट रेट होगा वो लगा दिया जाएगा एग्जाम्पल की तौर पर एग्जाम्पल की तौर पे, यहाँ यहां ओके, कंपोजिट सप्लाई कब बोला जाएगा उसकी डेफिनेशन लर्न करके जाना टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज नेचुरली बंडल इन कंजंक्शन इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब ए, ए, एक या एक से ज्यादा तो सॉरी दो या दो से ज्यादा सप्लाई का बंडल है और वो नेचुरली बंडल है वो नेचुरली बंडल है मतलब जैसा आपका और मेरा मैं आपको अगर क्लास दे रहा हूं तो क्लास के साथ नोट्स मिलेगी क्लास के साथ नोट्स मिलेगी ये नेचुरली बंडल है ओके okay, आप एक्सपेक्ट करते हो बायर एक्सपेक्ट करता है ये बंडल दिया जाता है लैपटॉप के पास साथ चार्जर दिया जाएगा नेचुरली बंडल है इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ ट्रेड तो उसे कंपोजिट सप्लाई बोला जाएगा और इस टाइप का सप्लाई होगा तो उसमें जो प्रिंसिपल सप्लाई होगा उसमें क्लासीफाई होगा और मिक्स सप्लाई मिक्स सप्लाई मतलब नेचुरली बंडल नहीं है ओके नेचुरली बंडल नहीं है तुमने बंडल बनाया हुआ है जैसे दिवाली गिफ्ट समझ लो तो ये दिवाली गिफ्ट ये कोई नेचुरली बंडल नहीं होता है ओके okay, ये प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं है पर तुम गिफ्ट पैक बेच रहे हो जिसमें हो सकता है एक ट्वेल्व परसेंट है एक ट्वेंटी एट परसेंट है ओके okay, ये एक फाइव परसेंट है और इसमें एक शैम्पू शम्पू जो है ट्वेंटी एट परसेंट है ओके okay, और कोई यहाँ पे एटीन परसेंट है एटीन परसेंट है पर अगर आपने ऐसा बंडल बनाया होगा और जिसकी सिंगल प्राइस लगाई होगी एक ही प्राइस लगाई होगी अलग अलग नहीं वेरी इंपॉर्टेंट जिसकी सिंगल प्राइस होगी और एक ही बंडल बनाया होगा तो ऐसे सिचुएशन में इसमें जो इसका हाईएस्ट रेट होगा शैम्पू शैम्पू का रेट हाईएस्ट रेट है तो पूरा बंडल शैम्पू का माना जाएगा और पूरे बंडल को 28 परसेंट लग जाएगा अगर इसकी सिंगल प्राइस होगी सर अगर मैं सिंगल प्राइस नहीं अलग अलग आइटम की अलग अलग प्राइस लगाई होगी अगर अलग अलग आइटम की अलग अलग प्राइस लगाई होगी तो वो सिचुएशन में जहां तक है यहां पे फिर इंडिविजुअल रेट लगेंगे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं ओके okay, मैं एग्जाम्पल लेता हूं यहां पे एग्जाम्पल ले लो जैसे रिलायंस फ्रेश रिलायंस फ्रेश पुणे ने टैक्स इन्वाइज़ बनाया ओके और किसी के नाम का बनाया और यहाँ पे हर आइटम का गिफ्ट किट बनाई जिसमें कैन एंड फूड अलग रेट दिया है स्वीट्स अलग रेट दिया है चॉकलेट अलग रेट दिया है केक अलग रेट दिया है ड्राई फ्रूट्स अलग अलग रेट्स दिए और इसका प्राइजेस भी अलग दिए अगर प्राइजेस अलग दिए है तो इनके ऊपर जी भी अलग अलग लगेगा लेकिन अगर इसका सिंगल प्राइस दिया जाता समझ तो लो ये अलग अलग नहीं दिया जाता सुनो यह अलग अलग नहीं दिया जाता और एक ही बिल दिया जाता है किट भाई किट में होता, अलग -अलग नहीं होता। तो, तो, तो गवर्नमेंट कहती है सिंगल प्राइस दोगे तो हाइएस्ट लेंगे अलग अलग दोगे तो अलग अलग रेट लगाएंगे समझा क्या भाई ओके समझा क्या भाई अगर होगा तो ऐसे केस में हाँ बोलो होगा तो हा बोलो ये ना बात या मजा आया ना तो मिक्स सप्लाई होगा जो ओके मिक्स सप्लाई मतलब क्या तो मिक्स सप्लाई मतलब वो एक साथ दिया जा रहा है सिंगल प्राइस पे दिया जा रहा है और वो कंपोजिट सप्लाई नेचुरली बंडल नहीं है तो वो केस में हाईएस्ट रेट लगेगा ओके okay, समझा होगा तो लाइक like ठोको जोरदार तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई ठीक है यहाँ पे हमारा सेक्शन सेवन और सेक्शन एट जो है खत्म होता है और यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है इस तरह से हमने सेक्शन सेवन और एट देख लिया चलो तो कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं ओके okay, फटाफट क्लैरिफिकेशन बता देता हूँ ओके okay, क्लैरिफिकेशन ये है कि सवाल ये था कि बहुत सी बार कन्वेंस जो है ओके okay, अब ये क्लैरिफिकेशन तो बेटा मैं थोड़ा फास्ट में ही लूंगा अगर आपको पढ़ने है तो फिर रेगुलर बुक पढ़नी पड़ेगी ठीक है मैं ये समझा देता हूँ कन्वेंस होगा ओके okay, अब देखो आपका कन्वेंस होगा जैसे ट्रक हुआ बस हुआ कार हुआ और वो कन्वेंस आपका एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जा रहा है डीडीपी सप्लाई हो रहा है तो अगर आपका कन्वेंस एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जा रहा है तो वो सिचुएशन में कन्वेंस पे जीएसटी नहीं आएगा लेकिन अगर आपके दूसरे ब्रांच पे रिपेयर सर्विस होगी तो रिपेयर सर्विस पे जीएसटी आ जाएगा या फिर आपका जो कन्वेंस जा रहा है एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स जा रहा है क्योंकि आपका कन्वेंसिव फिनिश गुड्स है और वो बेचने के लिए जा रहा है तो जीएसटी आएगा लेकिन अगर आपका कन्वेंसिव गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होगा तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा ओके सर आ, थोड़ा समझा थोड़ा नहीं समझा इसके लिए रेगुलर बुक पढ़ लेना मैं ये जस्ट रिवाइज कर सकता हूँ ओके क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन समझाने में आधी आधी घंटा लेता हूँ भाई ओके तो मैं तो यहाँ से रिवाइज कर सकता हूँ अगर आपको क्लिक होता है तो अच्छी बात है उसके बाद में सेम प्रिंसिपल रिग्स क्रेन को लगता है कन्वेंस के साथ अगर कोई टूल्स और क्रेन जाती है ओके तो वो भी अगर डीडीपी ट्रांसफर हो रहा है तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा लेकिन वो रिपेयर के लिए जा रहा होगा तो रिपेयर सर्विस पे जीएसटी आएगा रिपेयर सर्विस पे जीएसटी आएगा उसके बाद में प्रिंसिपल और एजेंट ओके okay, तो ये मैंने कवर कर लिया कि भाई इनवाइस किसका है इनवाइस अगर एजेंट का होगा तो स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी आएगा बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट लेकिन अगर इनवाइस यहाँ पे प्रिंसिपल का है तो जीएसटी नहीं आएगा हाँ ये एक सर्कुलर इंपॉर्टेंट है प्लेसिंग ऑफ नेम प्लेट प्लेसिंग ऑफ नेम प्लेट मतलब क्या जैसा ये वाला एग्जाम्पल मैं आपका ले लेता हूँ हाँ ये वाला एग्जाम्पल आपका ले लेता हूँ प्लेसिंग ऑफ नेम प्लेट समझ लो यहाँ पे एक चैरिटेबल ट्रस्ट है ये आ सकता है एग्जाम में नेम प्लेट वाला एक चैरिटेबल ट्रस्ट है और ओके यहां पे मैं हूं ओके यहां पे मैं हूं अब ये चैरिटेबल मेरे पास आई और सर हमें वॉलट्री डोनेशन करो हम स्कूल मान रहे हैं ओके हम यहां पे स्कूल मान रहे हैं और हमें वॉल्ट्री डोनेशन करो मैंने इनको वॉल्ट्री डोनेशन कर दिया और मैंने डोनेशन किया यहाँ पे ओके, पचास लाख का कि चलो भाई ये स्कूल में दो रूम मेरी होगी इन्होंने क्या किया पैसा मैंने दिया इनको पैसा मिला वॉलंट्री डोनेशन किया इन्होंने जस्ट एज एक्ट ऑफ फिलोन्थ्रॉफी कुछ याद होगा तो एक्ट ऑफ फिलोन्थ्रॉफी या ग्रेटिट्यूड जस्ट मेरा नाम लिख दिया जिसमें मेरे कोई बिजनेस को प्रमोशन नहीं है जस्ट एक्ट ऑफ फिलोन्थ्रॉफी है तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या मैं आपको बताना चाहूंगा अगर ये एक्ट ऑफ फिलंथ्रॉफी है और बिजनेस को कोई यहाँ पे प्रमोशन वगैरह नहीं है तो ये जो है ये सप्लाई फॉर कंसिडरेशन नहीं है अब एक वर्ड आएगा ओके और वो वर्ड आएगा क्विड प्रो पो ओके okay, मतलब समथिंग इन समथिंग रिटर्न मतलब क्या जीएसटी कब आता है जब आपको पैसा मिला फॉर सम सप्लाई मतलब आपको पैसा मिला फॉर सम ऑब्लिगेशन तो सप्लाई फॉर कंसिडरेशन होना जरूरी है सप्लाई फॉर कंसिडरेशन होना जरूरी है मतलब क्विड प्रो को होना जरूरी है तो ही जीएसटी आएगा समझ लो मुझे पैसा मिला पर मैं कोई ऑब्लिगेशन में नहीं हूं कॉन्ट्रेक्चुअल रेसिप्रोसिटी नहीं है कोई ऑब्लिगेशन में नहीं हूं तो जीएसटी नहीं आएगा हाँ पैसा मिला और उसके अगेंस्ट में मुझे कुछ करना पड़ेगा तो जीएसटी आएगा समझ लो मैं बोलता कि नहीं 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 वी स्मार्ट का नाम लगाओ मेरे बिजनेस को प्रमोट करो ओके वहां लोग आएंगे तो वी स्मार्ट का नाम दिखना चाहिए तो फिर ओके मेरे पे ऑब्लिगेशन आ गया फिर ये सप्लाई फॉर कंसिडरेशन होगा फॉर जीएसटी आएगा इसलिए अगर जस्ट नेम प्लेट लगाई जा रही है पर उसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है क्विड प्रो को नहीं है समथिंग इन समथिंग रिटर्न में नहीं है तो वो वॉल्ट्री डोनेशन पे जीएसटी नहीं आएगा ओके okay, समझाओगा तो वन टाइप करो समझाओगा तो वन टाइप करो तो ये जो है हमने यहां पे देखा उसके बाद में टेनेंसी राइट्स वाला टेनेंसी राइट right पे जीएसटी आता है ये आपने पढ़ लेना टेनेंसी राइट right वाला ओके हा बुक प्रिंटिंग ब्राउचर बुक प्रिंटिंग ब्राउचर ओके okay, प्रिंटिंग करना बुक प्रिंट करना पैम्पलेट प्रिंट करना ब्राउचर प्रिंट करना ये सप्लाई ऑफ सर्विस है क्योंकि मेन कंटेंट किसी और का है बुक का उसके ऊपर हम प्रिंटिंग कर रहे हैं उसके ऊपर हम प्रिंटिंग कर रहे हैं तो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा लेकिन ऑफ लेटर कार्ड हम बना रहे हैं और सिर्फ सामने वाले का लोगो यूज कर रहे हैं पर इनवॉल मैंने बनाया लेटर कार्ड मैंने बनाया प्रिंटेड बॉक्स मैंने बनाया सिर्फ लोगो यूज कर रहा हो सामने वाले का तो ये जो है इसमें मेन कंटेंट गुड्स का है तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा उसके बाद में नेक्स्ट अगर आते हैं तो येस yes, ये कॉन्ट्रैक्ट ये वाला पार्ट में थोड़ा समझा देता हूँ ये वाला पार्ट में समझा देता हूँ ये क्लैरिफिकेशन कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लायर एंड थोड़ा ये समझ लो थोड़ा अच्छे से समझ लो एग्जाम में आया तो ठीक मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में आएगा पर समझ लो अगर आपकी सर्विस है सर्विस यानी क्या सर्विस याने एनी थिंग अदर देन गुड्स मतलब गुड्स छोड़ के अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया <laughs> घुट छोड़ के अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो वो सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे मे भी कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हो या मे भी कॉन्ट्रैक्ट पैसिव हो ये सर्विस होगा मतलब कुछ ना करना भी सर्विस होगा सेक्शन सेवन वन ए क्या कहता है सेक्शन सेवन वन ए कहता है कि अगर आपने सप्लाई किया होगा फॉर कंसिड्रेशन होगा उसमें कंसिडरेशन होगा स्पीड प्रो को होगा मतलब आपका क्लियर एग्रीमेंट है कि मैं पैसा दे रहा हूं तो आप सप्लाई करोगे या आप सप्लाई करोगे तो मैं पैसा दूंगा ठीक है तो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है तो सॉरी <coughs> <sorry, coughs> तो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है मतलब क्या कि सप्लाई होगा तो पैसा मिलेगा या पैसा मिलेगा तो सप्लाई करना पड़ेगा तो सप्लाई फॉर कंसिडरेशन होगा तो जीएसटी आएगा अब हम शेड्यूल टू पैरा फाइव ई पर बात करते हैं शेड्यूल टू पैरा फाइव ई कहता है एग्रींग टू एन ऑब्लिगेशन सॉरी एग्रींग टू एन ऑब्लिगेशन to refrain from an act to tolerate an act to do an act matlab just a minute bitte. ओके okay, वापस वापस आता वापस आता साउंड साउंड नहीं था वापस आता हूँ अब देखो वापस आता हूँ हमने शेड्यूल टू पैरा फाइव ई में क्या देखा टू रिफ्रेंड फ्रॉम एन एक्ट टू टॉलरेट एन एक्ट टू डू एन एक्ट ये सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाएंगे पर कब सर्विस माने जाएंगे और कब नहीं माने जाएंगे अगर एक सिंपल एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ कि आपका कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है जैसे एम्प्लॉय कह रहा है कि सर मैं कॉम्पिटिशन बिजनेस ज्वाइन नहीं करूंगा सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट करो मुझे पचास लाख चाहिए मैं ऐसा नहीं करूंगा मुझे पचास लाख चाहिए प्रॉमिस करो एक्सप्रेस है इंप्लाइड है क्लियर सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है ओके तो ये सर्विस है समझ लो बाजू में कंस्ट्रक्शन चालू है मेरे यहां मटेरियल गिर रहा है ओके okay, बाजू में कंस्ट्रक्शन चालू है और मेरे यहाँ मटेरियल मेरे बिल्डिंग पे मटेरियल गिर रहा है मैंने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया कि देख भाई ओके okay, बंद कर दे रहा कंस्ट्रक्शन ओके पूरा यहां पे मटेरियल कचरा पड़ता है तो उसने मेरे को बीस लाख रुपए दिए सर टॉलरेट करो टौले... और मैंने कहा चल ठीक है कॉन्ट्रैक्ट बना ओके okay, उसने बीस लाख रुपए दिए और कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि आपको टॉलरेट करना पड़ेगा ये सेपरेट इंप्लाइड प्रॉमिस है एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है मेन चीज ही वही है तो फिर इसके ये सर्विस माना जाएगा और इसके ऊपर जीएसटी आएगा लेकिन कभी कभी क्या होता है कभी कभी जो है कुछ चीजें कंपेंसेशन होगा डैमेजेस होगा हमें देने पड़ते हैं पर वो डिसाइडेड नहीं है अब डिसाइडेड नहीं है मतलब क्या लिक्विडेड डैमेजेस जैसे मैंने रोड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया और रोड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में मैंने विद इन टाइम कंप्लीट नहीं किया हाँ मेरा परफॉर्मेंस था रोड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट और वो विद इन टाइम कंप्लीट नहीं किया इसलिए मुझे कंपेन्शन देना पड़ रहा है तो या या ट्रैफिक पुलिस ने सिग्नल तोड़ा सिग्नल तोड़ा पहले से प्रॉमिस नहीं था पहले से अग्रीड नहीं था कि सर आरटीओ का आपने कहा मैं आऊंगा आऊंगा सिग्नल तोड़ूंगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट करो और पैसा लेना मेरे से नहीं ट्रैफिक पुलिस ने आपसे फाइनली चार्जेस लिए वो मियरली एन इवेंट है जो अग्रीड नहीं थे बस कोई कोर्स में एक इवेंट आ गया जिसकी पेनॉल्टी लग गई जिसकी फाइन लग गई जिसका आपको कंपेंसेशन लग गया तो वो वो सर्विस नहीं माना जाएगा अगर आपको टॉलरेंस पे रिफ्रेनिंग पे जीएसटी लगाना है और सर्विस कहना है तो वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए अगर जस्ट कोई एक इवेंट जनरेट हो गया इन द परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा अगर किसी को ये चार्ट बनाना है तो ये ओके स्क्रीन पॉज करके या स्क्रीन लेके बाद में ये चार्ट बना सकता है ओके फॉर रिफरनिंग एंड टॉलरेंस फॉर रिफ्रेनिंग एंड टॉलरेंस या स्क्रीन लेके या पॉज करके बाद में भी ये सेव रहेगा लेक्चर तो आप चार्ट बना सकते हैं डन तो ये जो हमने देखा यहाँ पे रिफ्रेनिंग और टॉलरेंस की बात की हमने तो ये कुछ क्लैरिफिकेशन थे बाकी तो आप पढ़ सकते हो बाकी ऐसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ओके एक रेस्टोरेंट सर्विस जो आ, सिनेमा हॉल में दिया गया या अभी का एक क्लैरिफिकेशन है ओके सिनेमा हॉल में रेस्टोरेंट सर्विस दिया गया तो वो केस में अगर आपके टिकट के साथ फूड होगा तो वो कंपोजिट सप्लाई है तो वो टिकट के रेट में क्लासिफाई होगा और अगर टिकट के साथ फूड नहीं होगा अलग से बेचा गया होगा तो एज अ रेस्टोरेंट सर्विस क्लासीफाई होगा ये मैंने अमेंडमेंट में कवर किया है तो चलिए दोस्तों यहाँ पे यहाँ हमारा डिस्कशन खत्म होता है पहला चैप्टर और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई स्टार्ट करें आर यू रेडी यस और नो ठीक है चलो बेटा सेक्शन 15, वैल्यू ऑफ सप्लाई ओके, हम देखते हैं सेक्शन 15, वैल्यू ऑफ सप्लाई सबसे ये सेक्शन 15 तीन पार्ट में डिवाइड होता है सेक्शन 15 वन सेक्शन 15 टू और सेक्शन 15 थ्री ठीक है सेक्शन 15 वन जो है यहां पे जहां तक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स हो या सर्विस हो वैल्यू जो होगी आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी आई रिपीट ट्रांजेक्शन वैल्यू भाई ट्रांजेक्शन वैल्यू यानी क्या प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस तो ये एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्चुअल प्राइस मतलब क्या मतलब यहां पर अगर आप दिन में दस लोगों को सप्लाई कर रहे हो सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज तो अगर फर्स्ट को आपने फिफ्टी रुपीज में दिया सेकंड वाले को आपने 80 रुपीज में वॉट एवर यूर एक्चुअल प्राइस तो पहले केस में अगर आपका फिफ्टी रुपीज होगा तो उस फिफ्टी रुपीज पे जीएसटी आएगा सेकंड केस में आपका एटी रुपीज होगा तो एटी रुपीज पे जीएसटी आएगा थर्ड केस में अगर यहाँ हंड्रेड रुपीज में सेल किया तो हंड्रेड पे आएगा तो जो भी एक्चुअल प्राइस होगी उस पर ही जीएसटी लगाया जाएगा चलिए बहुत अच्छी बात है ओके एक्चुअल प्राइस पेड और पेबल कैश सेल होगा तो पेड या क्रेडिट सेल होगा तो पेएबल

they are not related and price is sole consideration. I repeat, they are not related and price is sole consideration. Now here, दो रिलेटेड यानी क्या तो रिलेटेड की डेफिनेशन हमने सप्लाई चार्ट में पढ़ी थी ओके okay, रिलेटेड मतलब क्या तो फटाफट फड़ मैं आपको रिवाइज करवा दू रिलेटेड मतलब कॉमन डायरेक्टर्स ऑफ लीगली रिकग्नाइज एज पार्टनर मतलब सप्लायर और रिसिपियन लीगली रिकग्ग्नाइज एज पार्टनर के पार्टनर हो गए नॉ एम्पलॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप या एनी थर्ड पर्सन होल्डिंग मोर देन ट्वेंटी फाइव परसेंट स्टेक इन बोथ ऑफ देम यानी सप्लायर रिसिपियन में दोनों कंपनी में और या दोनों एंटिटी में किसी तीसरे का ट्वेंटी फाइव परसेंट से ज्यादा स्टेक है वन कंट्रोल द नदर बोथ रिलेटेड पार्टी कोई किया होगा हो, 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 कोई भी सप्लाई किया होगा तो रिलेटेड पार्टी यहाँ पे ट्रांजेक्शन so, वैल्यू नहीं ली जाएगी और प्राइस इज हाँ आपको जो भी शेड्यूल हाँ, मतलब मतलब के सप्लाई उसका वैल्यूएशन इससे हो ही नहीं सकता क्योंकि वहां प्राइस होती ही नहीं है वो फ्री वो परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असट मतलब सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन है तो वो केस में रूल्स लगते हैं और वो सिर्फ फाइनल लेवल को अपलीकेबल है ओके okay, तो यहां पे जहां तक है आपने जो भी प्राइस चार्ज किया वो सोल कंसिडरेशन होना चाहिए चलो अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपने जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू लिया है इसमें कुछ एडिशन होगा और ये एडिशन इंक्लूजन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए क्योंकि इसके ये ऐसा चैप्टर है कि जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं और इसलिए ये चैप्टर में से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एटलीस्ट ओके टेन न्यूमेरिकल्स जरूर सॉल्व करना अच्छे प्रॉब्लम सेलेक्ट करना और पूरा सॉल्व करके देखना नोट्स के साथ आई रिपीट ओके मैं ये कहूंगा कि नोट्स के साथ पूरे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करके देखना है ठीक है तो अब बेटा यहां आपकी ट्रांजेक्शन में टोटल पांच इंक्लूजन हो गए कौन से पांच इंक्लूजन हो गए सेक्शन फिफ्टीन टू के हिसाब से सेक्शन याद रहे तो बहुत अच्छी बात है क्लॉज ए ओके वो कहते हैं कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस यानी ऑल टैक्सेस अंडर दिस लॉ अंडर एनी लॉ मतलब आ, जैसे कुछ ऐसे टैक्सेस है जो जीएसटी आने के बाद भी आज लगते हैं आपके सप्लाई गुड्स पे या सर्विस के तो जब आप वैल्यू निकालोगे तो टैक्सेस ऐड करोगे जीएसटी निकालने के लिए एक्सेप्ट जीएसटी जीएसटी खुद इट ऐड नहीं करोगे जैसे अगर हम बात करें तो टोबैको टोबैको प्रोडक्ट्स टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट पे आज भी एक्साइज ड्यूटी लगती है ये आपको पता है आपने इंट्रोडक्शन रिविजन में देखा था तो अगर समझ लो कोई टोबैको प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लग रही है बेसिक प्राइस लेट्स अज्यूम दैट कि यहां पे बेसिक प्राइस एक लाख रुपए है बेसिक प्राइस एक लाख रुपए है जी उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगी और एक्साइज ड्यूटी थर्टी थाउजेंड है तो टोटल कितना हुआ वन लाख थर्टी थाउजेंड तो जीएसटी कितने पे लगेगा तो जीएसटी वन लाख थर्टी थाउजेंड पे लगेगा इज इट क्लियर यानी जो भी टैक्सेस एंटरटेनमेंट टैक्स जो लोकल बॉडी का हो या म्यूनिसपल टैक्सेस हो या फिर एक्साइज ड्यूटी हो जो भी टैक्सेस अंडर एनी लॉ लग रहा है तो आपको वो वैल्यू में एड कर देना पड़ेगा आई रिपीट वो वैल्यू में आपको एड कर देना पड़ेगा आई होप यू अंडरस्टूड ओके एक्सेप्ट जीएसटी तो ये टैक्सेस आपको एड करना है जो भी एक्स्ट्रा लगाया है फॉर वैल्यूएशन परपजेस उसके बाद में नेक्स्ट वो कहते हैं क्या थर्ड पार्टी पेमेंट ये थर्ड पार्टी पेमेंट मेरा वर्ड है एक्चुअली वर्ड ऐसे एनी पेमेंट इनकर्ड बाय सप्लायर इज लायबल टू पे मतलब क्या कोई ऐसे चार्जेस है जो सप्लायर ने जिम्मेदारी ली है लेकिन रिसिपियन ने इनकर्ड किया है तो वो चार्जेस ओके सप्लायर जब इन्वाइस बनाएगा तो वो इनवाइस में ऐड करेगा वॉट एवर इनकर्ड बा फटाफट मैं लेना चाहूंगा पहले तो चार्जेस भाई ए, मेरा कस्टमर है उसने उसने मेरी शॉप शॉप है ट्रेडिंग की और उसने मुझे यहां पे रेफ्रिजरेटर का ऑर्डर दिया मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके तो मैं रेफ्रिजरेटर आपके घर तक पहुंचा के दूंगा मतलब मतलब मैं ट्रांसपोर्टेशन एट योर गेट करूंगा तो यहाँ पे लाइबिलिटी किसकी फ्रेड चार्जेस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इसकी लाइबिलिटी किसने लिया सप्लायर ने लिया मतलब सप्लायर इज लाइबल टू पे लेकिन ओके okay, कुछ रीजन की वजह से ओके okay, जो एड्रेस उसने दिया वहां पे ओके okay, मेरा ट्रक या टेम्पो जाने को रेडी नहीं है तो मैंने रिसिपियंट को कहा देखो भाई तुम्हारा अगर कोई पहचान का होगा तो भेज दो ओके okay, तुम्हारा कोई पहचान का होगा तो भेज दो ओके okay, मैं उतनी प्राइस कम कर दूंगा तो उसने कहा ठीक है तो ट्रांसपोर्टेशन उसने अरेंज किया एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस इनकर्ड इनकर्ड बाय बाय कम कम ऑन ऑन जिसकी लाइबिलिटी किसने ली थी सप्लायर ने ली थी तो ऐसे सिचुएशन में जो भी फ्लेट चार्जेस रिसिपियंट ने दिए

कमन 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 यहां पे सभी देखिएगा तो ये सप्लायर को थर्ड पार्टी पेमेंट के चार्जेस ऐड कर देना है उसके बाद में एक दूसरा एग्जांपल फ्रेट का ही लेता हूँ समझ लो सप्लायर ने एक्स फैक्ट्री या एक्स शॉप सेल किया मतलब क्या मतलब यहां कि भाई मेरे फैक्ट्री से तू लेके जा ट्रांसपोर्टेशन मैं नहीं अरेंज करूंगा तुझे आना पड़ेगा मेरे फैक्ट्री से माल उठाना पड़ेगा तो यहां पर सप्लायर इज नॉट लाइबल टू पे pay, क्योंकि वो लाइबिलिटी नहीं ले रहा है तो ऐसे केस में कस्टमर को जो फ्रेट चार्जेस लगे वो वैल्यू में एड नहीं हो गए ऐड तभी हो फिर वो फ्रेट चार्जेस हो इंस्पेक्शन चार्जेस हो यहां पर कमीशन हो वॉट रेट में भी अगर सप्लायर ने लाइबिलिटी हो, ली होगी तो वही वैल्यू में एड किया जाएगा फिर वारंटी चार्जेस हो तो जहां तक देखा जाए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो ओके okay, पर दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है चलिए ओके okay, इसके बाद में हम देखेंगे इंसिडेंटल एक्सपेंसिस कमॉन 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 कौन सा इंसिडेंटल एक्सपेंसिस बहुत से बार सप्लायर जो है यहाँ पे सब सेल करता है तो सेल करता है तो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगाता है भाई एक्स्ट्रा चार्जेस कौन से पैकिंग हो गया कमीशन हो गया बिल में एक्स्ट्रा लगाता है पैकिंग चार्जेस एक्स्ट्रा कमीशन चार्जेस एक्स्ट्रा या फिर कभी कभी यहाँ पे लेबलिंग डिजाइनिंग चार्जेस रॉयल्टी वारंटी इंश्योरेंस चार्जेस धर्मदा धर्मदा मतलब वो धर्म के नाम पे चैरिटी के लिए कुछ चार्जेस लगाता है व्यवैन चार्जेस लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस फ्रेट इरेक्शन इंस्टॉलेशन प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन जो सेलर एक्स्ट्रा लगाता है तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी चार्जेस ओके सप्लायर एक्स्ट्रा लगा रहा है तो देखो एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस चार्ज बाय सप्लायर एंड एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन एनीथिंग डन बाय सप्लायर एट द टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज तो वो ऐड किए जाएंगे मतलब सप्लाई करते वक्त या डिलीवरी देने के पहले बिल में कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड लगाए गए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए गए ठीक है तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए गए तो वो भी ऐड किए जाएंगे अब दो वर्ड पे आपका ध्यान ध्यान लाना चाहूंगा कोई इंसिडेंटल टू सप्लाई होना चाहिए मतलब कि आपने सप्लाई किया और उससे रिलेटेड आपने लेबलिंग चार्जेस पैकिंग चार्जेस कमीशन चार्जेस इंश्योरेंस चार्जेस लगाए तो वो वैल्यू में ऐड हो और दूसरा मैं आपको ये कहना चाहूंगा फॉर एनी थिंग डन बाय द सप्लायर का मतलब क्या है समझ लो मैं कोई प्रोडक्ट आपको सेल कर रहा हूं आपने कहा नहीं नहीं सर दिवाली है मुझे गिफ्ट पैकिंग करके दो तो मैंने कहा देखो गिफ्ट पैकिंग करके तो गिफ्ट पैकिंग के एक्स्ट्रा लगेंगे प, पचास रुपए तो अब देखो मैं नॉर्मली गिफ्ट पैकिंग नहीं देता हूं पर आपने कहा और आपने आपके कहने पर मैंने किया एनीथिंग डन बाय द सप्लायर कम ऑन एनीथिंग डन बाय द सप्लायर तो अगर कस्टमर के कहने पे कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी की गई जिससे चार्जेस लगाए गए वो भी वैल्यू में ऐड हो गए अगर मेरा प्रोडक्ट सौ रुपए का है और आपके कहने पे कम ऑन आपके कहने पे मैं कुछ एनीथिंग डन कर रहा हूं ओके okay, और उसके चार्जेस लगा रहा हूं जैसे कि पैकिंग के तो वो पचास रुपए भी वैल्यू में ऐड किए जाएंगे तो ये बहुत सारे एक्सपेंसेस दिए इसलिए जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो एड कर रहे हो वो फिफ्टीन टू बी का है या फिफ्टीन टू सी का है ट इज द डिफरेंस बिटवीन फिफ्टीन टू बी एंड फिफ्टीन टू सी फिफ्टीन टू बी की अगर हम बात करें तो वो सप्लायर नहीं लगा रहा है सप्लायर की जस्ट लाइबिलिटी थी इनकर्ड बाय बायीपियन मतलब क्या मतलब ये कि सप्लायर ने कहा था ये भाई ये चीजें ये एक्टिविटी मैं करके दूंगा ओके यहां पे आपको ट्रांसपोर्ट करके दूंगा यहां कोई भी ऐसे एक्टिविटी जो मेरे सप्लाई के लिए जरूरी है वो मैं करके दूंगा लाइबिलिटी सप्लायर की थी पर खर्चा रिसिपियन ने कर दिया तो सप्लायर को अपने वैल्यू में एड करना बहुत जरूरी है लेकिन ये केस में रिसिपियन कुछ अपने जेब से नहीं कर रहा है ओके यहां पे रिसिपियन सप्लायर खुद ही इन्वाइस में एक्स्ट्रा लगा रहा है तो ख्याल रहे यहां रिसिपियट आउट ऑफ पॉकेट कर रहा है तो यहां पर रिसिपियंट खुद एक्स्ट्रा लगा रहा है तो सॉरी सप्लायर एक्स्ट्रा लगा रहा है तो सप्लायर ने अपने में इन रिलेशन टू सप्लाई बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई जो भी एक्स्ट्रा लगाएगा वो वैल्यू में ऐड होगा सर बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम डिलीवरी देते थे गुड्स की या सर्विस देते हैं बाद में हम वारंटी चार्जेस लगाते हैं सप्लाई होने के बाद हम चार्जेस लगाते हैं अगर आप सप्लाई होने के बाद चार्जेस लगा रहे हो दोस्तों तो वो केस में वो फिर वैल्यू में नहीं ऐड होता है उसके लिए सेपरेट डेबिट नोट इश्यू करनी पड़ती है और वो डेबिट नोट में जीएसटी कलेक्ट किया जाता है चलिए वेरी गुड अब आगे बढ़ते हैं ये हमने देखा रिगार्डिंग टू इंसिडेंटल ये समझा क्या अगर समझाओगे तो yes कहिएगा और आपको क्या करना है ठोको मेरी रिवीजन, अगर आपको अच्छी लग रही है तो बस आप अपना काम करते करते रहो मैं आपका पूरा और इस बार अस्सी बार जीएसटी आपके लिए वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन के रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा तो चलिए दोस्तों उसके बाद में हम देखते नेक्स्ट डी इंटरेस्ट फी और पेनॉल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन ध्यान से सुनिएगा फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन ये क्या है ठीक है डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन तो इसमें हम दो पार्ट देखेंगे इंटरेस्ट लेट फी और पेनोल्टी दो टाइप के इंटरेस्ट जीएसटी में पढ़ने में आते हैं एक इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट आपको याद होगा तो लोन का इंटरेस्ट होगा एडवांसेस और डिपॉजिट का इंटरेस्ट होगा तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है बट है हमने पहले भी देखा था सप्लाई टॉपिक में कि इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट ओके ये सर्विस है बट एग्जमट है और हमने कंपोजिशन स्कीम में भी देखा था सभी कैलकुलेशन के लिए इंटरेस्ट एक्सक्लूड कर दिया जाता है उसके बाद में बेटा नेक्स्ट नेक्स्ट यहां पर हम अब कौन से इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं इंटरेस्ट लेट फी और पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन अब ये डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन इसका इंटरेस्ट मतलब क्या मतलब ये है कि मैंने आपको कोई माल बेचा सप्लाई ऑफ गुड्स किया या मैंने आपको कोई सप्लाई ऑफ सर्विसेज़ किया और आपसे पैसा आना बाकी है कंसिडरेशन आकर बाकी है और आपने ये जो कंसिडरेशन है एक महीने में देना चाहिए पर आपने नहीं दिया आपने दो तीन महीना लगा दिया उसके लिए तो मैंने कहा देख भाई ओके जो मुझे सप्लाई के अगेंस्ट में पैसा मिलना था तुमने लेट कर दिया तो मैं तुझे इंटरेस्ट लगाऊंगा या लेट फी लगाऊंगा बहुत सी बार होता है ना कि टेलीफोन भी लेट फी लग जाती है ओके पेनॉल्टी लग जाती है, है सप्लायर हमें लगाता है तो क्या वो उसका क्या होगा क्या वो भी एग्जाम नहीं ओके वो क्लॉज डी में एड होता है इंटरेस्ट लेट फी और पेनॉल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन क्लॉज डी में एड किया जाएगा और वो टैक्सेबल होगा वो वैल्यू में होगा लेकिन इससे रिलेटेड तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट बहुत बहुत है और ध्यान दीजिएगा ओके okay, और मजा आया तो ठोको ओके okay, ठीक है तो कौन से तीन पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है जब आप इंटरेस्ट जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त अगर प्रॉब्लम में इंटरेस्ट दिया है लेट फी दिया है पेनोल्टी दिया है तो डिफॉल्ट तो एजम्स देना कि वो इंटरेस्ट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है अब इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मतलब क्या मतलब आप टैक्सेबल वैल्यू निकाल रहे हो सुनिए आप ध्यान से सुनिए ना आप टैक्सेबल वैल्यू निकाल रहे हो ये टैक्सेबल टैक्सेबल वैल्यू निकाल रहे हो ओके टैक्सेबल वैल्यू में प्राइस दिया हुआ है एक लाख रुपए आपको प्रॉब्लम में प्राइस दिया है एक लाख रुपए आपको कमीशन दिया हुआ है आप कमीशन ऐड कर, कर रहे हो बीस हजार रुपये चलो आप वारंटी ऐड कर रहे हो यहाँ पे वारंटी ऐड कर रहे हो दस हजार रुपए कोई थर्ड पार्टी पेमेंट होगा इनकर्ड बाय द बायर तो यहाँ पे थर्ड पार्टी पेमेंट होगा इनकर्ड बाय द बायर तो वो आप ऐड कर रहे हो पांच हजार रुपए और ये भी कहा है कि आपने इंटरेस्ट लिया है डिले पेमेंट का अब इंटरेस्ट वो कह रहे हैं कितना तो वो कह रहे हैं इंटरेस्ट आपने यहां पे लिया आठ हजार रुपए तो अब ख्याल है पूरा आठ हजार एड नहीं होगा अगर जीएसटी रेट दिया हुआ है जीएसटी रेट दिया है ट्वेल्व तो आपको इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाई वन वन टू ओके हाँ ये इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाई वन वन टू इतना जीएसटी आपको एड करना है भाई कैलकुलेटर किधर गया या होना चाहिए तो कैलकुलेटर है मतलब आपको एट थाउ एट थाउजेंड यहां पे एट थाउजेंड डिवाइडेड बाय ओके वन वन टू इन टू हंड्रेड तो आपका जो भी अमाउंट आएगा ये काम नहीं कर रहा है जाने दो दो मिनट एट थाउजेंड डिवाइडेड बाय वन वन टू इंटू हंड्रेड तो आपका जो आएगा सेवन वन फोर टू करेक्ट वेरी गुड तो आपको 7142 ऐड करना है सर क्या ये इंटरेस्ट के लिए लेना है क्या नहीं इंटरेस्ट होगा लेट फी भी इंक्लूसिव होगा एज वेल एज पेनोल्टी भी इंक्लूसिव माना जाएगा तो चलो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्या कि जब भी आप वैल्यू में लोगे तो नॉर्मली इंटरेस्ट लेट फी और भी कंसिडर एज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी तो आपको जीएसटी निकाल के वैल्यू में एड करना पड़ेगा दूसरा इंटरेस्ट लेट फी और पेनोल्टी का टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा तो अगर आप सेक्शन ट्वेल्व सिक्स या थर्टीन सिक्स पढ़ते हो तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई आएगा इन अ मंथ अमाउंट इज इंटरेस्ट हम वैल्यू में, में कर रहे उसके ऊपर जीएसटी निकाल रहे हैं लेकिन नॉर्मली इंटरेस्ट रेट फी और पेनॉल्टी का जीएसटी पे करना पड़ता है जिस मंथ में आपको इंटरेस्ट रेट फी और पेनॉल्टी मिल रही है ठीक है और उसके बाद में जहां तक देखा जाए रेट सर इस अगर इंटरेस्ट पे हम उस मंथ में जीएसटी निकाल रहे जो मंथ में हमें ये मिल रहा है तो रेट क्या हो गे? रेट ओरिजिनल इनवाइस के बेस पे अगर ओरिजिनल इनवाइस सप्लाई ऑफ गुड्स का है तो जो भी गुड्स का रेट होगा वो ओरिजिनल इनवाइस सर्विस का है तो जो भी सर्विस का रेट होगा वही रेट से आपका इंटरेस्ट का जीएसटी निकाला जाएगा तो चलो सर ये तो बात हमें बहुत अच्छे समझ में आ गया ओके नेक्स्ट अब हम लास्ट क्लॉज ई की बात करते हैं और वो है सब्सिडी ओके आपको याद होगा तो वो क्या कहते हैं कौन सी सब्सिडी आपको ऐड करनी है सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस

अगर सब्सिडी नॉट लिंक टू द प्राइस होगा तो ऐड नहीं किया जाएगा अब सर ये बताइए लिंक टू द प्राइस और नॉट लिंक टू द प्राइस इन दोनों में क्या डिफरेंस है ओके okay, तो आपको ये बता दूं कि दोनों में बेटा यहां पे ये difference है, कि आ, जैसे एक लमसम सब्सिडी मिलती है भाई आप अच्छा काम कर रहे हो लो यहाँ पे दो लाख रुपए अगर लमसम सब्सिडी होगी जो आपके प्रोडक्ट के प्राइस से कनेक्टेड नहीं है या सर्विस के प्राइस से कनेक्टेड नहीं है तो वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा पर कभी कभी सब्सिडी ऐसी है भाई आपके प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है हंड्रेड चलो हंड्रेड में से ट्वेंटी रुपीज हमारा यानी पर जब भी एक प्रोडक्ट सेल करोगे तो अस्सी आपका ट्वेंटी हम सब्सिडी देंगे तो अगर प्रोडक्ट लिंक सब्सिडी होगी प्रोडक्ट प्राइस लिंक सब्सिडी होगी तो वो ट्वेंटी रुपीज वैल्यू में एड किए जाएंगे इवन दो आप कस्टमर से एटी रुपीज ले रहे हो ना प्रॉब्लम सोल्व करते वक्त ये ध्यान जरूर दीजिएगा कि आप की सब्सिडी ऑलरेडी वैल्यू में इंक्लूडेड है या बॉसिबल ऐसे बढ़ाते हैं कि गिवन प्राइस एडजस्टेड सब्सिडी सब्सिडी अब एडजस्टेड मतलब उसमें से सब्सिडी निकाल दी है अगर गवर्नमेंट की सब्सिडी निकाल दी है तो अच्छी बात है लेकिन अदर की सब्सिडी होगी तो आपको वो वापस ऐड करनी पड़ेगी तो केयरफुली तो देखो और प्रॉपरली लिखो उसका एक प्रॉपर चार्ट बनाओ कि वर्डिंग्स कैसे है, और, कि और हमें क्या एडजस्टमेंट करनी है तो जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो इस बात का आपको पूरा ध्यान देना है समझा होगा तो क्या करना है आपको पता है तो चलिए यहां पे हमने ये देखा सब्सिडी अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे और वो है डिस्काउंट ओके क्या हमें डिस्काउंट का डिडक्शन मिलेगा क्या बिल्कुल मिलेगा डिस्काउंट का डिडक्शन अब लॉ क्या कहता है एनी डिस्काउंट अब भाई नाम कुछ भी हो नाम कुछ भी हो एनी डिस्काउंट गिवन बिफोर बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई देखो सप्लाई करने के पहले या सप्लाई जिस दिन कर रहे हो उस वक्त अगर आप डिस्काउंट दे देते हो तो नाम कुछ भी हो कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट टर्न और डिस्काउंट क्वांटिटी डिस्काउंट वारंटी डिस्काउंट वॉट एवर इट में भी सभी डिस्काउंट का डिडक्शन मिल जाएगा डिडक्टिबल फ्रॉम वैल्यू ओके लेकिन आपको यह डिस्काउंट बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ सप्लाई देना पड़ेगा ठीक है उसके बाद में लेकिन आपका डिस्काउंट जो होगा डिस्काउंट इज गिवन आफ्टर सप्लाई तो गवर्नमेंट कहती है रुको 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 इसमें लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं अगर सप्लाई के बाद डिस्काउंट दिया जा रहा है तो हमें बताओ क्यों दिया भाई पहले क्यों नहीं दिया ओके सप्लाई के बाद दे रहा है कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना कोई कैश में एडजस्टमेंट तो नहीं कर ली ना तो नहीं अब देखो सप्लाई के बाद अगर डिस्काउंट होगा तो हम डिडक्शन देंगे पर कुछ शर्तें हमारी क्या वो अग्रीड था अगर पहले से अग्रीड था तो आगे बढ़ेंगे अगर पहले से अगर वो अगर ऑलरेडी अग्रीड नहीं था नॉट अग्रीड मतलब ना इनवॉइस में कहीं लिखा था ना एग्रीमेंट में कहीं लिखा था और वो अग्रीड नहीं था तो अगर अग्रीड नहीं होता तो, तो आपको डिस्काउंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा इसलिए प्रॉब्लम में दिस... जब भी डिस्काउंट आए तो ये देखना कि वो अग्रीड था या नहीं था अगर अग्रीड नहीं था तो डिस्काउंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर वो ऑलरेडी अग्रीड था सुनिए ऑलरेडी अग्रीड था तो वो फिर दो और कंडीशन लगेगी क्या वो लिंक टू द इनवॉइस है क्या वो डिस्काउंट बताया जा रहा है कौन सा इनवाइस का यस yes. और आईटीसी रिवर्स बाय रिसिपिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब क्या जो भी पोस्ट रिमूवल डिस्काउंट है जिसे मैं पोस्ट रिमोवल और आफ्टर रिमोवल डिस्काउंट कहता हूं ये डिस्काउंट का डिरेक्शन तीन शर्तों पे मिलेगा कम ऑन मेरे साथ यहां पे देखो कौन सी शर्त वो अग्रीड होना चाहिए लिंक टू द प्राइस होना चाहिए लिंक टू द इनवॉइस होना चाहिए और

ओके okay, पूरा याद आया क्या याद आया होगा तो यस ठोको यहां पे चलिए उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आए थे स्टैगर्ड डिस्काउंट जैसे बाय मोर सेव मोर ए ऑफर पहला कस्टमर आया भाई तुझे कितना डिस्काउंट चाहिए ओके okay, तूने कितने क्वांटिटी कौन, ली चल दस परसेंट डिस्काउंट दूसरा आया ओके okay, तूने अच्छा इतनी सारी क्वांटिटी ली ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट तीसरा आया उसने बल्क में लिया फोर्टी परसेंट डिस्काउंट क्या मैं ऐसे स्टैगर्ड ओके okay, अलग अलग डिस्काउंट दे सकता हूं यस दे सकता हूं ओके okay, कोई मतलब वैल्यू ट्रांजेक्शन वैल्यू हर ट्रांजेक्शन की वैल्यू अलग हर ट्रांजेक्शन के डिस्काउंट अलग इसलिए मैं अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग डिस्काउंट दे सकता हूं अगर वो इनवॉइस में बताया जा रहा है तो मैं वो एक्सक्लूड किया जाएगा उसके बाद में और ईयर एंड डिस्काउंट कभी कभी क्या डिस्काउंट मैं जब जो देता हूँ एट द टाइम ऑफ सप्लाई नहीं देता हूं एट द टाइम या बिफोर सप्लाई नहीं देता हूं ईयर एंड डिस्काउंट देता हूं ईयर एंड डिस्काउंट मतलब क्या कि भाई देखो ओके okay, यहाँ पे बिजनेस करो कस्टमर को कहता हूं मेरे डीलर है कस्टमर तुम भी आगे बेचो जितना माल उठाओगे मैं ईयर एंड में या हाफ ईयर एंड में देखूंगा और आपको एक साथ डिस्काउंट पास ऑन करूंगा तो क्या ईयर एंड डिस्काउंट या पीरियड का टाइम ऑफ सप्लाई नहीं दिया था बाद में दिया था क्या अग्रीड था? हाँ, था क्या लिंक टू द इन हर इनवॉइस से रिलेटेड हमने बताया हुआ है क्या वो रिसीपी ने टी रिवर्स किया है हाँ. अगर ये सारी कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो ईयर एंड डिस्काउंट का भी आपको डिडक्शन मिलेगा

कंप्लीट किया अब आपको अपना काम करना है मैंने अपना काम कर दिया है आपको क्या करना है ओके okay, क्वेश्चन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन दस क्वेश्चन ऐसे उठाना है जो पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक आपको सॉल्व करके देखना है पर इजी वाले नहीं ओके okay, यहां पर इजी okay, वाले नहीं आपको जो है okay, पूरा पढ़ लेना है और उसमें जो टफ क्वेश्चन है वो उठाना है और वैल्यूएशन पे क्वेश्चन आया तो मार्क्स छोड़ने नहीं है चलिए दोस्तों तो ये हमने देखा यहां पे फिफ्टी वन फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री नीचे कुछ इंपॉर्टेंट सीबीआई क्लैरिफिकेशन है अब ये क्लैरिफिकेशन में मैं कह दू कि यहां पे ठीक है